वीडियो में मत दिखा, लोग बोल रहे हमको दो। अच्छा ओ ठीक है। छत बढ़ानी है तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी है, जो पाइप हैं, जो टिन हैं, वो आशीर्वाद जोग रहे हैं क्या? यहाँ से कुछ ऐसा है और यहाँ से जहाँ आम नहीं होते वहाँ का आम यही होता है, खुमानी। ये खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर जो ये चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं और इनके बीच से ये रोड निकल लिया ना तो मज़ा आ जाता है। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूँ प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 10 बज रहे हैं अपने गांव से थोड़ी ही दूरी पर। कुछ दिन पहले हम यहां पर आए हुए थे, मैंने आपको बताया था कुछ बंजर खेत हैं तो वहां पर रोड़ी फोड़ने का आजकल काम चल रहा है, तो यहां पर रोड़ी फोड़ रहे हैं अपने बापूजी। हेलो गाइस, नमस्कार, क्या हाल चाल, सब बढ़िया है? आप बताइए आपके क्या हाल है। मेरे हाल तो दिख रहे हैं। आज बापू जी के साथ माँ यहाँ पर नहीं आई है क्योंकि माँ खेतों में आजकल काफी व्यस्त है। और इधर दिखाऊं तो भाई साहब और स्पेशल मेहमान हमारी बांजी। हेलो गाइस, हेलो गाइस करने का अच्छा तरीका है इसका भी। और सामने दिखाऊं तो यहाँ से हमारा जो नया घर है वो भी बनता हुआ दिख रहा है, तो अच्छी लोकेशन पे भी यहाँ पर रोड़ी फोड़ी जा रही है बापू जी के द्वारा। तो हम यहाँ से रोड़ी उठा के वहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, तो थोड़ा आराम करते हैं। और यहाँ पर रोड़ी फोड़ने का जो मकसद था वो ये था कि यहाँ पर एकदम बिल्कुल छाया है, सुबह के टाइम पर यहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं रहती है और जैसे ही धूप आती है तो घर जाने का समय हो जाता है। तो भाई साहब लेके जाने वाले हैं कट्टा अभी कंडे में, लेकिन मैं आया था सहारे कि यहाँ पर रस्सी होगी, रस्सी भी यहाँ पर नहीं है तो मुझे कंधे में लेके जाना पड़ेगा। तो अभी देखना पड़ेगा कि कैसे ले जाऊँ क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है यहाँ। भाई साहब तो उड़ गए भाई, अब मेरा क्या होगा। और ये देखो हमारी भांजी की हाल, ही नंगे पैर आ रखी हैं। तो रोड़ी के जो कट्टे हैं वो लेके हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। और यहाँ दिखाऊँ तो मिस्त्री जी भी पहुँचे हुए हैं और लगे हुए हैं बरामदे के काम पे। और आज सिर्फ दो ही मिस्त्री जी पहुँचे हुए हैं क्योंकि आगे दो ही मिस्त्री लोगों का काम था। तो बरामदा भी देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, बस लास्ट यहाँ का जो डिज़ाइन है वो अभी मिस्त्री जी निकाल रहे हैं और उसके बाद जो ये बीम हैं, जो कॉलम हैं, वो सारे भर दिए जाएंगे। और उधर की जो चिनाई है वो भी होती रहेगी। सबसे जो ज़रूरी काम था वो यही था क्योंकि जो ये पाइप वाइप हैं, जो ये तख्ते हैं, ये सब नीचे जाएंगे अनुष्का लोगों के यहाँ पे, वहाँ पर छत की तैयारी होने वाली है, तो उससे पहले ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बरामदे का। और अभी आया था मैं खेतों की ओर माँ के हाल चाल देखने के लिए और माँ घर ही आ गई। हो गया टाइम? हाँ, हो गया बहुत ज़्यादा। अब हो रहा है काम? काम तो 8 बजे हो रहा था, 8 बजे आना होगा। ठीक है फिर जाओ, तब जाओ। और यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ पर है अनुष्का लोगों का मकान। तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से बरामदे का काम चल ही रहा है।
तो वही देखने के लिए हर दिन एक चक्कर तो आना ही पड़ता है। और यहाँ पर चाची और सामने गणेश महाराज। तो चाची भी आ गई भाई घूम घाम के खेतों से। ठंगा क्यों पड़ रहे हैं ऐसे? लठ्ठा हल गया तो क्या करें? अरे लठ्ठा हल गया, मैं उठाने आया तब तक तुम उठ गए। नीचे गिरता हूँ, खड़ा उठता हूँ। हाँ, क्यों गिरे तब? क्या हुआ था? हा? क्या हो गया था? अरे इसमें बैलेंस नहीं हुआ ना। ए, जो ये पैर बचपन में मुड़ रखा है, इसमें बैलेंस नहीं हुआ ना ये। हाँ हाँ, घाम नहीं हो रहा है? घाम नहीं हो रहा? घाम हाँ नहीं हो रहा। इतनी देर तक क्या कर रहे थे तब? पंगड़ा तीन डालो गए मैं। ओह, तीन पैर पर चला मैं, तभी नहीं हुआ मेरा। तब जाके इतना बड़ा भारा मिला है जिसमें बांज ठेलका खड़ी सब है। घंटा हुआ तीन डाल पर कर रही हूँ। गाड़ मिले गंगा केर बोलो। हाँ गाड़ मिले तो गंगा केर बोलो। क्या घंटा हुआ अच्छे? और चाची की जो भारी है वो आधे रास्ते में ही खोलनी पड़ी, क्योंकि चाची की अब दो गौशाला हो गई, कहीं बैल तो कहीं भैंस ही हैं। क्या करें, एक लीला घसारी चाची कहाँ कहाँ जाए। आजकल चाचा भी बन गए घसारी। कहाँ ले गए घास? चाचा को नहीं देखा तुमने? कल भारी नहीं लेके आए? बैल चाचा केवल और भैंस चाची की। और क्या करें? हाँ, सब करना पड़ता है। नहीं है गुड़ाई पूरी हो गई? कहते हो ना आज। और चाची देखो हमको खिला रही है ये। तो ये है पहाड़ का स्वादिष्ट फल, क्या बोलते हैं इसको? चूल्हे, और हिंदी में बोलते खुमानी। तो खुमानी चूल्हे का हम आनंद लेते हैं। और चाची उधर से बोल रही है वीडियो में दिखावा लोग बोले वाल हमारे लिए भेजो। बड़ी मुश्किल से हमको तो ऐसे मिल रहे हैं रास्ते में खाने को। पहाड़ का आम है, जहाँ आम नहीं होते वहाँ का आम यही होता है खुमानी। वीडियो में मत दिखा, लोग बोल रहे हमको दो। अच्छा ओ ठीक है। अरे अरे ले, मैं तो नहीं दूँ। अरे तो हमने क्या खाना यार? मत खाओ तब है। हम दे रहे थे, मत खाओ बोल। मांग मांग के तो हम खा रहे हैं, पूछ पूछ के तुम दे रहे हो, तुम ना कर रहे तो खा के ये है ये। तो इस साल पहली बार मैं खाने वाला हूँ चूहा खुमानी। और पहले तो बहुत होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये चूहा खुमानी भी विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे गांव से। पर अभी भी दो चार पेड़ हैं, तो चाची ने हमको दिया है तो हम खा लेते हैं। तो अभी घूम फिर के मैं आ चुका हूँ घर पे, और अब यहाँ पर हम पीने वाले हैं रोज शरबत। तो अब इसका आनंद लेते हैं। और क्या बोलना चाह रही थी बोले? अब चुप हो गई, नहीं तो बहुत मुँह चलता है तेरा। और अब ये मेरा ब्लॉग बनाएगी, आज नहीं पर जब तक ये घर में है तो ये प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाती है। तो इसकी आवाज़ आपको अब सुनने को मिलेगी कुछ टाइम के बाद। आज तो बोल ली है, पहला दिन है तो थोड़ा आज रेस्ट करेगी। हैं क्या बोलेगी शुरुआत में? बोल दो ब्लॉग शुरू करने मेरी वाली लाइन बोल दो। अभी कुछ नहीं बोल रही, वो थोड़ा एक दो दिन रुकने दो, उसके बाद देखो क्या ब्लॉग बनाती है। और ये मक्खियाँ तो बहुत परेशान करती है यार गर्मियों में, जब से गेहूं की लवाई होती है ना तब से ही ये मक्खियाँ आ जाती हैं। जूस ले लो, जूस ठंडा गरम जूस। आ हा हा हा, जूस पी लो भाई जूस। और अभी खाना तैयार है, तो खाने में आप देख सकते हैं एक बार फिर भात है, उसके साथ स्वादिष्ट सी पुदीना और जो चूहा खुमानी है उसकी चटनी है, और अपने पहाड़ का स्वादिष्ट साग चौंसा और एक लाल मिर्च भी। ओ भाई हमारे यहाँ कौन आया ये देखो। अब क्यों आया? कार्तिक आया। चूहे कहाँ से लाए? पेड़ से निकाला। किसने निकाला? बहुत शर्माता है यार ये, भाग गया वापस। तो कार्तिक थैले में जो लेके आ रहा था तो वो ये चीज है। तो मैंने दिन के टाइम पे भी आपको दिखाया था, लीला घसारी चाची ने मुझे खाने को दिया था और एक उसमें बिल्कुल खराब हो गया था,
पॉलिथीन में, तो माने वो फेंक दिया है। ये देखो बिल्कुल जो ज़्यादा ही पके रहते हैं ना, तो ज़्यादा पका भी सही नहीं है, ख़राब हो जाते हैं जल्दी। तो चलो फटाफट अभी क्या करते हैं, इनको धोते हैं और फिर खाते हैं। इसने धोए भी नहीं, कोई चक्कर नहीं धोने का। आहा, किस किस के मुंह में पानी आया कमेंट करके बताना। दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और अभी मेरी पीठ में बैग लग गया है, तो मैं जा रहा हूँ अभी एक यात्रा पर। कहाँ जाने वाला हूँ वो वीडियो में आगे आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल शाम के टाइम पर ही मुझे निकलना पड़ रहा है। वैसे मुझे कल निकलना था लेकिन गाड़ियों का हमारे यहाँ झंझट रहता है और फिर आजकल जाम भी लग रहा है, तो लेट नहीं कर सकता। तो इसीलिए आधे रास्ते तक मैं आज जाने वाला हूँ और फिर वहाँ से कल आगे की यात्रा मैं करने वाला हूँ। तो कहाँ जा रहा हूँ वो आगे आपको पता चलता रहेगा। फिलहाल अपने घर से निकलने का समय हो चुका है और हमारे घर पे है हमारी भांजी। बाय बाय। और कार्तिक तो यहाँ पर खेल कूद खेल रहे हैं। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है? बाय बाय। और यहाँ पर भोटू भी है। भोटू चल, बाय बाय, टाटा, चल, बाय बाय। तो चलो फटाफट निकलते हैं। वैसे अभी मैं नीचे भी रुक सकता हूँ कहीं पर, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे जाना नहीं है, आज ज़्यादा दूर मुझे जाना नहीं है। तो देखो नीचे कुछ काम होगा तो वो काम भी करेंगे, आराम से निकलेंगे। घर से तो निकल ही गया हूँ। और चलते चलते आपको मैं बताऊँ तो नीचे बरामदे का जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बीम डालना ही बाकी है, और बीम तभी पड़ेगा जब चारों साइड चौकोर हो जाएगा, फिर ऊपर डोर बीम पड़ जाएगा और बरामदे का बीम भी उसी के साथ डाल देंगे। और यहाँ पीछे देखो मैंने बताया था ना छत बढ़ानी है, तो उसके लिए यहाँ पर व्यवस्था कर दी है। जो पाइप हैं, जो टिन हैं, वो सब रख दिए हैं और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर ईंटें भी रखी हुई है। तो चलो थोड़ा अंदर चलते हैं। और सुबह वैसे आपको नया डिज़ाइन देख ही दिया होगा पूरा बरामदे का, तो अभी कंप्लीट हो गया है तो फिर आपको दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ से कुछ ऐसा है, और यहाँ से, और यहाँ से फिर कुछ ऐसा है। और चाची के यहाँ पर चल रही है छत की जोरों शोरों की तैयारी। तो यहाँ देखो चाची लगी है पाइप यहाँ से उधर करने पे। ठीक है भाई साहब, तब बेटा पैर छू के जा, दो बड़े भाई खड़े हैं यहाँ पे तेरे, आशीर्वाद लेके जा। ठीक है, नहीं तो भाई है आपके भी छू ना पैर। अरे मोड़ जमा नहीं पैथरे बेटा। चल यार छू ही दिया मैंने, आशीर्वाद। ठीक है भाई, भाई टाटा। और अपनी माँ तो आजकल हर टाइम आपको ज़्यादातर खेत में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा चल रहा है गुड़ाई करने का। तो ठीक है, बाय बाय, टाटा, आशीर्वाद, जुग जुग जा। ठीक ठाक जा। चलो तब हैं, 7 बजे तो वैसे ही हो, तो चलते चलते 7 बजे जाएगी। यहीं से जाएंगे। बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तो सभी को बाय बाय कहने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ आगे के सफ़र की ओर। और बापूजी मुझे मिले नहीं, वैसे बापूजी ने दूर से आवाज़ लगा दी थी, तो दूर से ही मैंने बापूजी को बाय बाय कह दिया। तो चलो अब निकलते हैं अपने गांव के पैदल रास्ते से आगे के सफ़र पर। आधी रोड तो हमारी पूरी पेंट हो गई है, लेकिन अब यहाँ नीचे पेंटिंग का काम चल रहा है, वो भी जोरों शोरों से। और क्या धुआं धुआं कर रखा है भाई यहाँ। कृपया थोड़ा हमें जाने देंगे भाई लोग?
है पहाड़ वाले भैया भैया और कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था रोड पे अपने जो भाई लोग काम कर रहे हैं तो वो ऐसे टेंटों में अपनी रात गुजारते हैं, यहीं पर वो रहते हैं। तो बीच का एरिया शायद उन्होंने किसी कारण से छोड़ दिया है। यहाँ आगे तो फिर पेंटिंग करने के काम पे लग गए हैं और ऐसे में ऐसे चिपकती है ना गाड़ी। तो हमारे गांव साइड वाली जो रोड है इसमें सबसे खूबसूरत जो जगह मुझे दिखती है वो बस यहीं पर दिखती है। वैसे पूरा ही खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर जो ये चीड़ के बड़े बड़े पेड़ हैं और इनके बीच से ये रोड निकल रही है ना तो मज़ा आ जाता है। और ऐसी बहुत सारी जगह हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद यही वाली जगह है, मज़ा आता है ऐसे में गाड़ी चलाने में। तो अपने गाँव की रोड से मैं अब पहुँच नहीं वाला हूँ, वैसे लगभग पहुँच ही गया हूँ। ये नेशनल हाईवे 107 केदारनाथ वाले पे, और अभी यहाँ पर गाड़ी नहीं दिखी मुझे कोई भी। तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं यात्रा के क्या हाल हैं। और जब भी मैं मोटो व्लॉग बनाता हूँ तो आप लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि मैं गाड़ी बहुत तेज़ चलाता हूँ, कृपया गाड़ी ज़्यादा तेज़ ना चलाएँ। तो गाड़ी में कभी मतलब बहुत कम चांस है कि मैं 50 की स्पीड से ऊपर गया हो, और अपने गांव वाली रोड पे तो 35-30 पर ही मैं चलता हूँ, ज़्यादा कभी कभी 20 से ऊपर भी नहीं जाता हूँ। ऐसी भी कई जगह हैं तो वीडियो में वो तो थोड़ा फास्ट की रहती है मैंने स्पीड, क्योंकि मतलब 2x में वो वीडियो चलाता हूँ मैं, तो स्पीड अपने आप ही आपको ज़्यादा लगती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आराम से गाड़ी चलाता हूँ, और आज तक भी जो मेरे पीछे बैठा होगा ना मेरे साथ गाड़ी में तो कभी उसको कोई शिकायत नहीं रही होगी। तो मैं बड़े प्यार से गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि मुझे खुद से ज़्यादा गाड़ी से भी प्यार रहता है। और थोड़ा बहुत तो यहाँ पेट्रोल पंप पे भीड़ देखने को मिल रही है। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि मार्केट में जैसे ही मैं पहुँचा तब जाके भयंकर जाम हमको मिल गया है। चलो चलो आगे बढ़ो, और सब बड़ी बड़ी बाहर की बसें देखने को मिल रही हैं ट्रैवलर, और जो नंबर भी हैं वो ज़्यादातर यूपी के, दिल्ली के, राजस्थान के और यूके भी है। यूके भी जो चारधाम यात्रा पर गाड़ियाँ लगी होगी वही वाली हैं। नॉर्मल गाड़ियाँ तो आपको आजकल बहुत कम मिलेंगी, सवारी वाली सब ऐसी हैं जो सीधे चारधाम पे लगी हुई हैं। चलो 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 जी चलो जी चलो जी चलो जी बस जी, हमको यहीं पे रहना है। दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं अगस्त मुनि, और अगस्त मुनि आने के बाद मैं आया हूं सीधे दीदी लोगों के रूम पे, लेकिन दीदी लोग आजकल यहां पर नहीं हैं, वो गांव जा रखे हैं, जगोड़ जा रखे हैं, और यहां पर वो रहते थे रेनिस की पढ़ाई के लिए, और रेनिस ने अभी 12th पास कर दिया है तो अभी आगे कॉलेज का फिक्स हो नहीं रहा है, तो अभी उन्होंने कमरा भी यहाँ पर नहीं छोड़ा है। तो इसीलिए आज मैं सीधे यहीं पर आ गया, क्योंकि घर से मैं अगस्त मुनि आता और फिर कल यात्रा करता तो बहुत लंबा हो जाता। अगस्त मुनि से तो बिल्कुल अच्छी हमको रोड मिलेगी तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और कल यात्रा में हमारे साथ अगस्त मुनि से कुछ और भाई लोग भी जुड़ने वाले हैं, वो आपको कल की वीडियो में पता लग जाएगा। तो यहाँ से मतलब चलने में हमको आसानी होगी, तो इसीलिए आज मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। और जैसे यहाँ पर पहुँचाना तो गर्मी से हालत ख़राब हो गई है, तो अभी क्या करते हैं अपने खाने खुने की तैयारी करते हैं, क्योंकि दीदी तो यहाँ पर है नहीं तो सब तैयारियाँ मुझे खुद करनी पड़ेगी। तो लगते हैं तैयारियों में, और आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं, आपको मिलेंगे कल एक खूबसूरत से शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।